चेंज करवाते हैं। कल लेके गया था और उनको देके आ गया, हज हो गया मुकम्मल। हुजाज इकराम, अभी मजरब की अजान हो चुकी है तो अरफात को अभी छोड़ चुके हैं। ये सामने अरफात का साइन बोर्ड है तो अरफात अभी खाली हो रहा है। जितने भी हुजाज इकराम हैं अभी जा रहे हैं आगे इस तरफ मुज़दलिफा की तरफ। वो सामने ला शरीक लक लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। तो सामने साइन बोर्ड है मुज़दलिफा 5 किलोमीटर और 100 मीटर और मीना है 8 किलोमीटर और 900 मीटर। यानी मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ काफी रोड एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं। एक ये वाला रोड है, ये देखें वो साथ साथ जा रहे हैं। दूसरा ये वाला रोड है, इस पर भी हाजी जा रहे हैं। इसके अलावा मैं दूसरी तरफ भी आपको दिखाता हूँ कि हाजी वहाँ से गुजरकर जा रहे हैं मुज़दलिफा की तरफ। सॉरी, दो ये वाले रोड हैं और दो उस तरफ भी हैं। माशाल्लाह ये देखें, एक ये 3 नंबर और इससे आगे 4 नंबर। तो यहाँ ये 4 बड़े बड़े रोड हैं, पीछे से ज़्यादा आते हैं लेकिन यहाँ आकर 4 रोड हो जाते हैं, वो भी काफ़ी बड़े। ये नहीं कि छोटे छोटे रोड हैं, काफ़ी बड़े रोड हैं 4। तो उन पर मुसलसल लोग मुज़दलिफा की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर हाजियों में खाने पीने के लिए कुछ चीज़ें हैं वो तकसीम की जा रही हैं। ये देखें ऊपर से फेंक रहे हैं हाजियों के लिए ना, जिसके हाथ में आ जाए वो उसका। लब्बैक लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक। मुज़दलिफा का साइन बोर्ड आ चुका है तो यहाँ से हम मुज़दलिफा में दाखिल होने लगे हैं। जी यहाँ से ना कैंकर ढूंढ लेते हैं, जो कि कैंकर है 5, 6, 7, 8। कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ तो जूते उतार के मारते हैं, कुछ पत्थर ही मारना शुरू कर देते हैं। तो चलो अभी जाना है रमी के लिए जमरात में, रमी करनी है, यानी वहाँ ये कैंकर मारने 7, आज बस आज 7 मारने। चला इस तरफ देखें, हुजाज इकराम साहब लेटे हुए हैं और अभी लोग रमी के लिए जा रहे हैं, जाना शुरू हो गए हैं। हालांकि फजर की अभी अजान नहीं हुई लेकिन पहले ही रमी के लिए जाना शुरू हो चुके हैं। जो रमी का असल टाइम शुरू होता है वो फजर की नमाज अदा करने के बाद, लेकिन लोग रात को 12 बजे भी रमी कर देते हैं, कुछ अभी भी कर रहे होंगे। अभी मैं जा रहा हूँ रमी के लिए। रात को साहब हुजाज इकराम ने यहाँ स्टे किया था, यहाँ सब सो गए थे, कुछ कुछ यहाँ बैठे थे, क्लीन भी बिछे हुए हैं। और अभी जा रहे हैं सब जमरात की तरफ, वो देखें उस तरफ भी जा रहे हैं और इस तरफ भी लोग जमरात की तरफ जा रहे हैं। तो चलो अब हम भी जमरात की तरफ चलते हैं और आपको जमरात का कुछ व्यू दिखाते हैं। मतलब यहाँ देखें दो रास्ते, एक ये वाला और दूसरा वो वाला, और दोनों फुल भरे हुए हैं इस वक्त हुजाज इकराम से। और यहाँ से देखें लोग उस तरफ से भी आ रहे हैं और इस तरफ से भी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जमरात के पास पहुंच चुके हैं, बहुत मुश्किल से पहुंचे, हकीकत में थक चुके हैं। तो अभी जाके इनको कैंकरियाँ मारनी हैं शैतानों को, लेकिन असल नाम तो उसका है जमरा, वहां जाके रमी करनी होती है। लेकिन जी तो मैं पहुंच चुका हूं इस वक्त जमरात तक, जमरात के पास। ये वो बिल्डिंग है जमरात की, इसके 4 फ्लोर हैं। तो हम सबसे नीचे वाले फ्लोर की तरफ जा रहे हैं और कुछ लोग ये जो पुल है इसके ऊपर से आ रहे हैं, कुछ उस पुल के ऊपर से और कुछ ये दरमियान से लोग जा रहे हैं। हमारे बिल्कुल साथ एक और रास्ता है तो वहाँ से भी लोग जा रहे हैं और आगे जाके सब इकट्ठे हो जाएंगे। तो आपको दिखाते हैं जमरात का व्यू और दिखाएंगे कि कैसे लोग शैतान को कैंकर मारते हैं।
माशाल्लाह यहाँ पर देखें एक बड़ा क्राउड भी यहाँ से जमरात के अंदर दाखिल हो रहा है। सबसे पहला स्थान है इसे जमरा सूरा कहते हैं जमरा, फिर इसके आगे जमरा वस्ता और सबसे आखिर पर जमरा कुबरा। ये है वस्ता, वस्ता और सबसे आखिर पे है कुबरा। तो आज हम सात कैंकर को बड़े शैतान को मारेंगे और ये बांग्लादेशी हुजारी ग्राम। मैं निकालने लगा हूँ कैंकर, सात कैंकर निकालने हैं मैंने जी। तो मैंने सात कैंकर निकाल लिए हैं, अभी सात कैंकर मारने कैसे मैं आपको ये बताता हूँ। ऐसे पहला कैंकर पकड़े, ये पकड़ लिया, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, वो दीवार है ना उसको मारना एक, फिर दूसरा बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर, ये दूसरा लिया। कैंकर तो हो चुके हैं पूरे, यहाँ बहुत ज़्यादा रश है। के बाद लोग यहाँ से बाहर निकल रहे हैं और मैं भी निकला हूँ, तो प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी है। अब देखते हैं पानी कहाँ से मिलेगा। तीन रास्ते हैं, ये मस्जिद अल हरम की तरफ जाता है और मुझे वो ऊपर एक रास्ता है उस तरफ जाना है, तो देखता हूँ रास्ता किधर से मिलेगा। मैंने अभी अपनी रहाइश की तरफ जाना है, एक कदम भी चला नहीं जाता लेकिन मजबूरी है अभी पहुँचना अपनी रहाइश पर, तो देखते हैं कैसे पहुँचते हैं। सब मीना का सलोन, यहाँ लोग अच्छे भले जाते हैं लेकिन गंजे होके बाहर निकल आते हैं। भी जाते हैं ट्रिम करवाते हैं तो फिर आपको बताते हैं। ये देखें सब लोग ट्रिम करवा रहे हैं यहाँ। इस पे बैठ जाते हैं बाल लेके गया था और उनको दे के आ गया। टिंड हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, उमरा हो गया, हज हो गया मुकम्मल, टिंड हो गया मुकम्मल मेरी, और अब अहराम भी खोल सकता हूँ। अहराम की पाबंदियाँ जो है ख़त्म हो चुकी हैं अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। ठंडी ठंडी हवा जब पड़ी है ना तो चस आ गई। चारों में रहाइश की तरफ मैं दिखाता हूँ, जहाँ से मैंने गुजर के जाना है वो एक नफक है, वहाँ से मैं गुजर के जाऊँगा। तो चलना बहुत मुश्किल है इस वक्त, पैदल चलना दो दिन हो गए हम चल चल के थक चुके हैं, इतना थक चुके हैं ना कि अखीर हो गया, अब एक कदम भी चलना मुश्किल है। वाओ मियाँ साहब, मियाँ साहब, मियाँ दी जे हो, मियाँ दी जे हो, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ईद मियाँ साहब आज उम्र मुबारक, ईद मुबारक भाई, उम्र ईद मुबारक, मुझे निकल गया ईद मुबारक जी, बहुत ही माशाल्लाह ईद मना रहे ने मियाँ साहब। ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਈਦ ਗੁਜ਼ਰੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਬੜਾ ਬੜਾ ਰਸ਼ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨਾ, ਹੈ ਤਕਰੀਬਨ 200 ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਸਟਮਰ ਖੜਾ ਹੋਣਾ ਬਾਹਰ। 200 ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਅੱਛਾ ਕਿੰਨਾ ਕੋਣ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਟਾਈਮ ਉਤੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਖੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿੰਡਾਂ ਕਾੜ ਕਾੜ ਨਾ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। मैं भाई तो को मैं रश बड़ा होना।